अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं AKD हाउस में, जहां पर अब्दुल रहीम जानू साहब के ऑनर में एक दावत रखी गई है और उसके चीफ गेस्ट भी अब्दुल रहीम जानू साहब हैं। आइए अकील करीम DD साहब से जानते हैं कि इस दावत का क्या इम्पेक्ट होगा और MLF आगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कैसा काम करेगी। सर, पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स में आपका नाम आता है और आपने आज इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मेमन न्यूज़ की तरफ से आप भी इस खिदमत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ आज का मकसद जो दावत का था रहीम जानू साहब के ऑनर में, कि रहीम जानू साहब वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े काम कर रहे हैं और जो इन्होंने इस वक्त आई के हवाले से काम किया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा काम वो कर रहे हैं। लेकिन इसको हाईलाइट करने की भी ज़रूरत है, अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है। बहुत सारी दफ़ा हमने इनको देखा है, तीन चार हफ्ते तक ये निकले हुए होते हैं और सिर्फ आज का मकसद था कि रहीम साहब और इनके फैमिलीज जो काम कर रही है उनकी खिदमत को उजागर किया जाए। उसी वजह से आज हमने इनके ऑनर में दावत रखी थी। और दूसरा मकसद था कि रहीम साहब कह रहे थे अब सियासत से वो हटना चाहते हैं फेडरेशन और चैम्बर की, तो मैं समझता हूँ चैम्बर फेडरेशन भी एक वेलफेयर काम है, क्योंकि आपको यहाँ आके अच्छे काम करने की ज़रूरत है, अच्छी क़यादत को आगे लाना है, यही फिर पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए काम करती है, यही पाकिस्तान की सियासत के लिए काम करती है। तो मकसद रहीम साहब को था कि आप इस तरह के कोई फ़ैसले ना करें, आप सियासत करें, अच्छे लोगों को लाएं। इख्तलाफ़ होना कोई बुरी बात नहीं है, इख्तलाफ़ सियासत में होता है, लेकिन बाद में हम कोशिश करें इलेक्शन के बाद मिल के बैठें, आपस में दूरियाँ ना दिखाएँ। तो मकसद यही था कि एक तो जो उन्होंने इतने काम किए हैं उसको हाईलाइट करना, दूसरा वो बिल्कुल सियासत ना छोड़ें, फेडरेशन चैम्बर की सियासत वो जारी सारी रखें, वेलफेयर के काम भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि ये दोनों काम की इस मुल्क को ज़रूरत है। तो मकसद यही था। इसके अलावा पिछले दिनों हमारी जब बात हुई थी रहीम साहब से अफगानिस्तान से हवाले से, कि अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ वेलफेयर से अनाज की भी ज़रूरत है और हेल्थ की ज़रूरत है और आई के हवाले से भी बहुत ज़रूरत है। तो हमारी बातचीत हुई थी तो हम चाहते थे कि वहाँ भी आई कैंप भी लगे, वेलफेयर के काम भी होने चाहिए। तो रहीम साहब ने 3 कैंप लगाने के वहाँ वादा किया है और ये बहुत एक ही सिर्फ बात एक मीटिंग हुई और एक ही मीटिंग में उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जितनी बिजनेस कम्युनिटी है उनको अफगानिस्तान के हवाले से भी सोचना चाहिए कि वहाँ हेल्थ के इशू को हमें टैकल करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में बड़े अरसे के बाद पीस हुआ है और इस पीस के हिस्सा पाकिस्तान है, वरना अफगानिस्तान को दहशतगर्दी नेबर कंट्री इस्तेमाल कर रही थी। अब उनको वहाँ से निकाल फेंका गया है और जाहिर बात है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े प्रोपेगेंडे भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम को चाहिए, अवाम को चाहिए कि उनके साथ खड़े रहें, उनके दर्द के साथी बने, ताकि अफगानिस्तान जो इस वक्त हमें पीस दिख रहा है वो कंटिन्यू पीस की तरफ रहे, उनकी मुश्किलात कम हो और वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने। अगर आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान को देखें तो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान का पीस पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अफगानिस्तान का पीस हमारे इंटरेस्ट में है और अगर हम अपना वेलफेयर का काम वहाँ शिफ्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा पाकिस्तान को डायरेक्ट पहुँचेगा और पाकिस्तान की इकनॉमी को भी उसका फ़ायदा पहुँच सकता है। तो ये इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत है कि हमारी कम्युनिटी या हमारी बरादरी या हमारी पूरी पाकिस्तान की कौम के जितने मुखिया हजरात हैं वो उस वेलफेयर का हिस्सा बने जो इस वक्त अफगानिस्तान को ज़रूरत है, ताकि हम अपना रोल अच्छा प्ले कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सर, आप लीडरशिप के अंडर मेमन लीडरशिप फोरम भी लॉन्च किया गया और ऑब्वियसली हम सबको ये चीज़ पता है कि मेमन जो है वो बॉन्ड लीडर है, बिज़नेस में माशाल्लाह से आगे हैं, कारोबारी लिहाज से हर लिहाज से मेमन अल्हम्दुलिल्लाह आगे रहे। तो MLF के ज़रिए हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को कहाँ देख सकते हैं और उसका आगे आने वाले पाकिस्तान पर आगे फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है? MLF का मकसद था भी बनी थी, उसका भी वही मकसद था, उसका भी मकसद था सेम काम। लेकिन फायदा ये हुआ कि जब ये 3 ग्रुप हैं और कंपटीशन पड़ रहा है तो लोग मुसलसल जहाँ जहाँ मेमन कम्युनिटी बैठी हुई है वो उसका हिस्सा बन रही है। और अगर हम ये देखें कि अगर इन सब के चीज़ों को अगर हाईलाइट करें तो मैं समझता हूँ हर आदमी
अपने अपने तौर पे जहाँ भी बैठा हुआ काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसको एक प्लेटफॉर्म पे हमें लाना चाहिए सब। और जितनी दुनिया में वेमेन कम्युनिटी कल्चरल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही है, मैं ये समझता हूँ कि सही तरीके से इसको हाईलाइट किया जाए, स्पेशली पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ दूसरी कोई दूसरी एक कौम ऐसी नहीं होगी जो उसकी बराबरी कर सके एजुकेशन हेल्थ के हवाले से। ये दो जगहें ऐसी हैं जहां मैं समझता हूं वेमेन कम्युनिटी की बहुत बड़ी खिदमत है, और अगर कराची की सिर्फ खिदमत को आप ले लें तो मैं समझता हूं वो भी काफ़ी भारी होगी। ये भी देखें कि हमारे इंस्टीट्यूट में मेमन से ज़्यादा नॉन मेमन फ़ायदा उठाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है कि सिर्फ मेमनों के लिए नहीं बल्कि मेमन इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अच्छा सर, जाते हुए एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि इस वक्त ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन मेमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट करा रही है जिसमें 48 टीम्स ने हिस्सा लिया है, तो इसको आप एज ए बिजनेस पायनियर और सीनियर मेमन पर्सनैलिटी, आप इसको मेमन कम्युनिटी की यूथ के लिए कैसा इनिशिएटिव समझते हैं? मैं समझता हूँ कि पहले आप कभी सुनते नहीं थे, लेकिन आप नेशनल क्रिकेट में भी अब आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं तो जो मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स में वैसे भी मेमन काफ़ी एक्टिव होते थे पहले से, मैं देख रहा हूँ हमने भी अपने बचपन में हॉकी क्रिकेट इसके लिए बहुत काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है और वर्ल्ड मेमन जो ये काम कर रही है इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए और इस तरह के इवेंट रेगुलर बेसिस पे करने की ज़रूरत है। इस तरह मैंने पिछले दिनों हमने देखा कुटियाना बरादरी की भी एक कुछ टीमें ऑप्शन हुई थी, इसके पहले भी हमने देखा था कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ने इसके हवाले से कैंप लगाया था, तो रेगुलर बेसिस पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और वेलफेयर के हवाले से अब काम हो रहे हैं और इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के काम हमारे बच्चों की हेल्थ को बेहतर करेंगे, हमारे बच्चे के जहन खुलेंगे और इस मुल्क की अवेयरनेस के लिए वो हिस्सेदार बनेंगे, फिटनेस के हिस्सेदार बनेंगे और इसी की हमें ज़रूरत है। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि अब जैसे हमने देखा दानिश अजीज़ माशाल्लाह पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया, पीएसएल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से, मेरे ख्याल है गवर्नमेंट लेवल की इश्यूज़ की वजह से मेमन्स को इतना पाकिस्तान टीम में पजीराई नहीं मिल सकी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो रिजेक्ट हुए आखिर कैंप में जाके, तो अब दानिश आया है तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन वैसे ही बढ़ेगी। और आप लोगों का इसमें क्या, हम लोग एज बीइंग अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपका बीइंग अ सीनियर पर्सनैलिटी ऑफ मेमन कम्युनिटी, आपका इसमें लड़कों के लिए क्या सपोर्ट? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, दानिश अजीज़ जैसे बच्चे टीम से ड्रॉप नहीं होने चाहिए, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। जब सेलेक्टर सलीम यूसुफ था तो मेरी उससे बात हुई थी और उसने मुझे खुद कहा था कि उसमें बहुत टैलेंट है, और उसके बाद उसने उसको टूर भी कराया था, टूर में न्यूजीलैंड में उसको सिर्फ लास्ट ईयर T20 मैच सिंध को इस बच्चे ने अकेले 6 मैच जितवाए, और पाकिस्तान के सारे जो पाकिस्तान खेलते हैं सनवारी है अपना और दूसरे 3-4 फास्ट बॉलर, मैंने उसको स्ट्रेट 6 मारते हुए उनको देखा है। तो ऐसे क्रिकेटर ड्रॉप कर देना ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन उसकी वजह से उनको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। लास्ट ARY ने जब इसको चांस दिया IPL में PSL में, तो मैं उसकी सिंगल हैंडेड उसने ARY को सेमीफाइनल में पहुंचा है, और परफॉर्मेंस को देखते हुए सेलेक्टर को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि वो प्लेयर लेके जा रहे हैं और अच्छे प्लेयर ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन उस वजह से उनको अपना हौसला नहीं आना चाहिए, अपनी क्रिकेट को जारी सारी रखे। हमें इस तरह के प्लेयर्स की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बना लें। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए हम लोगों ने स्क्वाड देखा, अप टू द मार्क स्क्वाड नहीं है वर्ल्ड कप के लिए, तो आप मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहेंगे कि दानिश को इंक्लूड किया जाए टीम? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से अगर 5 लड़के सेलेक्ट करें तो 5 में दानिश बाहर नहीं रहता, तो ये तो इतने बड़े स्क्वाड में इन्होंने बाहर किया है। मैंने कहा ना ये हमारी बदकिस्मती है, इसी तरह की तासुब ने हमारे मुल्क को पीछे छोड़ा हुआ है। सिलेक्शन अगर मेरिट पे हो तो दानिश टीम से बाहर नहीं होता, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेलेक्टर से, रमीज राजा से, कि आप एक दफ़ा नज़र डालें इस बच्चे की, पुरानी क्लिप्स निकाल के देखें जो स्कोर उसने किए, 4 मैच तो मैंने वो खुद देखे हैं जो सिंगल हैंडेड उसने जितवाए हैं आखिर तक खेलते हुए, तो ये सारी क्लिप हमें भी चाहिए, मेमन न्यूज़ को भी चाहिए कि उसके वो क्लिप निकाल के लोगों को भेजें,
ताकि पता चले कि वो कितना बड़ा क्रिकेटर है और किस तरीके से उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो अगर आप इसमें हमारा जो सपोर्ट चाहिए हम ज़रूर देंगे, हम आवाज़ भी उठाएंगे, लेकिन उसके लिए बेस्ट तरीका है कि वो क्लिप बना के आप हमें भेजें, हम इंशाल्लाह आगे भेजेंगे। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह आपको भेजेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।